आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ नेटवर्क में आपका मेज़बान शाहिद खान। रविंदर रैना ने अभी यहाँ पे पोलोयू मार्केट का दौरा किया और यहाँ के शॉप वालों के से बातचीत की। और रविंदर रैना के से बातचीत की और उन्होंने अपने अल्फाजों में पहले तो बड़ी खुशी की बात है और ये बड़ी खुशी की बात है कि एक अच्छे माहौल में यहाँ जो G20 की मीटिंग हो रही है, एक दुनिया के नक्शे में एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर कश्मीर की वापस उभर के आई है और हमें इस बात की खुशी है कि दुनिया के बड़े ताकतवर मुल्कों के लीडरान यहाँ आए हैं और उन्होंने यहाँ जो है कश्मीर के खूबसूरत जो नज़ारे हैं, जो नेचुरल कुदरत की देन है, इसका लुत्फ उठाया है और एक अच्छे माहौल में, एक खुशनुमा माहौल में यहाँ मीटिंग हो रही है। सारी दुनिया की नज़रें यहाँ लगी थी और जब दुनिया के ताकतवर मुल्क यहाँ आ गए और उन्होंने खुद अपने नज़रों से देखा और जिस तरीके से कश्मीर के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, वेलकम किया, उससे वो और खुश हो गए, यहाँ के कल्चर को देखकर खुश हो गए। और ये एक G20 की टूरिज़्म के नुक्ते नज़र से मीटिंग है और मुझे लगता है कि इसके बाद लोग, जैसे हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते थे कि पहले अमेरिका, इंग्लैंड, ये स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे कोई नहीं जाता था, सब कश्मीर आते थे। हमारी सारी जो बॉलीवुड की फिल्में हैं यहाँ कश्मीर में बनती थी, चाहे वो शमी कपूर साहब थे या अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना साहब, सब यहीं आते थे। हम तवक्को करते हैं वो दौर फिर आएगा और यहाँ खुशहाली होगी, सब खुशी से रहेंगे। रहने सब, बट ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। मेरे सवाल, हाँ, उसके बाद मेरा होगा। सवाल ये था कि G20 के बाद क्या ट्रैवल एडवाइजरी जर्मनी, फ्रांस वगैरह के लिए चेंज होगी? देखो, मेरी बात सुनो, हम चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो, खुशहाल हो, प्यार मोहब्बत भाईचारे और यकजती से लोग रहें। हम चाहते हैं कि जिस चीज़ के लिए कश्मीर को जाना जाता है, जन्नत, इस धरती पर जन्नत अगर कोई है तो कश्मीर है, तो जन्नत में कौन सी एडवाइजरी होती है? एक्चुअली आप देखेंगे दुनिया भर के लोग, खासकर जो टूरिस्ट हैं, वो यहाँ आएंगे। जब लोग यहाँ, आज आप देख रहे हो कश्मीर के अंदर कोई होटल ऐसा नहीं है जो खाली हो, कहीं भी फोन करो फुल। हमें दिल्ली से लोग फोन करते हैं, जनाब होटल में कमरा दिला दो, हम गुलमर्ग जा रहे हैं, पहलगाम जा रहे हैं, सोनमर्ग जा रहे हैं। तो जब इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ आता है, घूमेगा, यहाँ खरीद फरोख्त करेगा, तो नेचुरली इसका फ़ायदा यहाँ कश्मीर के लिए भी। हमारा दोस्त है यूनाइटेड अरब एमिरेट, हमारा दोस्त है बांग्लादेश, हमारा दोस्त है, आएंगे वो भी, सब आएंगे। आज क्यों नहीं, आज आएंगे, साहब आने वाला है। यूनाइटेड अरब एमिरेट का जो किंग है, किंग साहब, वो मोदी साहब के साथ उनका एक आने वाले इस साल में या उसके अगले साल एक टूर होगा। उन्होंने भी पीछे कहा था, आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया के लोगों का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, उन्होंने दुनिया भर के लोगों को बोला, भैया आप कहाँ जाते हो, कहाँ स्विट्ज़रलैंड और घूमने के लिए अलग अलग जगह जाते हो, जन्नत तो कश्मीर है, कश्मीर में जाओ घूमने के लिए। तो G20 का एक बाज़ाब्ता इसका शेड्यूल होता है, इसकी अलग अलग मीटिंग्स होती हैं। अगर ये टूरिज्म के हवाले से G20 के बड़े ममालिक की मीटिंग है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, तो वहाँ लाजमी है कि वही बातें डिस्कशन में होंगी। यहाँ तक बात रही है इन्वेस्टर्स की, इन्वेस्टमेंट बड़े हाउसेस की होनी चाहिए। कुछ लोग जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स हैं, मेदांता हॉस्पिटल्स हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है, बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट्स, ताकि यहाँ
अगर ऊपर वाला ना करे किसी को कोई बीमारी लगे, लेकिन अगर कोई भी इंसान की ज़िंदगी है, बीमार हो जाता है इंसान, तो इस प्रकार की सारी अरेंजमेंट्स हो। तो उनको लाने के लिए बीजेपी किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? नहीं, इंतज़ार नहीं होता है, उनको इन्वेस्टर्स हैं, आप उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं, आप किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो बहुत सारे जो बड़े बिग हाउसेज हैं, बिग इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ बातचीत की है और हम चाहते हैं वो बड़े बिग हाउसेस यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ की रौनकें और अच्छी हों और खुश हों। जी, मैं कोई सियासी तनकीद नहीं करूँगा किसी के ऊपर, वैसे भी आपने मुझे देखा होगा, मैं कोई सियासी तनकीद किसी के खिलाफ पर्सनली मैं कोई कभी इस किस्म की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करता हूँ। बस इतनी बात है कि जो हमारे कश्मीर की रौनकें हैं, लोगों के चेहरों पर रौनकें, बाजारों में रौनकें, सड़कों पर चहल पहल, लोगों के चेहरे पर खुशी, दिल में खुशी, जब हम ये देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। ऐतिहासिक दुकान है सर हमारी, यहाँ सर बहुत पुरानी फोर्टीज से है, बड़ा कंप्यूटर। आप देखते रहे ऑनलाइन न्यूज हट, मुझे और मेरे कैमरामैन उमर कादिर को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगेबान।